नमस्कार साथियों, आज हम अंडा करी रेसिपी बनाने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने 3 अंडे ले लिए हैं। आप जो सामने देख रहे हैं ये बॉयल किए हुए अंडे हैं। तो मैंने इनको पानी के अंदर उबाल लिया है 10 मिनट तक गैस के ऊपर। 10 मिनट में आराम से उबल जाएंगे। उसके बाद में इनकी मैंने छिलके भी उतार दिए हैं। देखिए आप, ये छिलके उतरे हुए अंडे हैं। ये थोड़ा सा कट गया था और बाकी के छिलके हुए अंडे हैं। काफ़ी फ्रेश अंडे हैं, मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। तो इसके लिए हम कौन कौन से अन्य सामग्री यूज़ में लेने वाले हैं, तो सबसे पहले देखिए, ये 2 हरी मिर्च ली है मैंने, 1 बड़ा टमाटर लिया है, और ये हरी मेथी ली है। ये स्वादिष्ट होती है, आँखों की रोशनी के लिए भी फायदेमंद होती है। तो ये सामग्री मैं यहाँ पे यूज़ में लेने वाला हूँ। अब बात करते हैं अन्य मसालों की। तो सरसों का तेल 3 चम्मच लिए हैं यहाँ पे, और इसके अलावा ये पेस्ट किया हुआ लहसुन है, नमक लेंगे स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर 1.5 चम्मच, मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच से थोड़ा कम हल्दी पाउडर। अब इसको बनाएंगे कैसे, चलते हैं गैस चूल्हे की तरफ। तो एक कढ़ाई में तेल डाल दिया है मैंने, इसको गर्म करेंगे लगभग 1.5 से 2 मिनट तक। जब तक गर्म करते हैं इनको, अंडों बॉयल अंडों को हम काट लेते हैं। आज काट के बनाएंगे इस प्रकार से। सीधे बना कैसे बनाते हैं वो आप पिछली वीडियो में चेक कर सकते हैं। मेरी हर प्रकार से अंडों की रेसिपी बनाता हूँ मैं। इस प्रकार से काट लेंगे अंडों को, बॉयल अंडों को आसानी से। इसका बेनिफिट ये होगा कि आसानी से पक जाएंगे मसाले के अंदर ही। अब इसमें जीरा डाल देंगे तेल के अंदर, सबसे पहले इसमें मिर्ची डालेंगे, हरी मिर्ची। उसके बाद में टमाटर डालेंगे, साथ में जो हरी मेथी है वो डाल देंगे। अब हल्दी पाउडर डाल देंगे इसमें, इसको मिक्स कर लेंगे। लगातार मिक्स किया जा रहा है इसमें। अब इसमें मिर्ची पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर भी डाल दिया है, और नमक है वो डाल देंगे स्वाद अनुसार। और लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे। लगातार मिक्स कर लेंगे, पका लेंगे मसाले को, पकाना ज़रूरी है। अब इसमें जो बॉयल अंडे थे जिनको हमने काटा था वो इसमें डाल देंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ में बढ़िया तरीके से। अब इसमें आवश्यकता अनुसार पानी डाल देता हूँ मैं, ताकि तरी अच्छी से बन सके। ज़्यादा डालोगे तो तरी नहीं बनेगी, अच्छी नहीं बनेगी। तो ये अच्छी तरी बनने वाली है, कटे हुए अंडे हैं, मसाला आसानी से मिक्स हो जाएगा। अब अच्छे लगेंगे, अच्छी स्वादिष्ट रेसिपी बनकर तैयार होने वाली है। 5-7 मिनट में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि अंडे बॉयल हो चुके थे पहले से ही। अब ये रेसिपी बिल्कुल बनकर तैयार है, देख सकते हैं आप, स्वादिष्ट रेसिपी बनी है। तो ये कैसी लगी आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और रेगुलर वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।